अब बताओ क्या करूं तुम्हारा, तुम्हें मार दूं या मर जाऊं? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने एक औलाद को उसकी मां के आगे दो टके का कर दिया, दो टके का। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही भाइयों के सामने खतरा बन के खड़ा हो गया, इतना बड़ा खतरा कि मैंने खुद अपने भाई की जान ले ली। करार मुझे आखिरी वक्त तक ये बोलता रहा, भाई भाई नीनू बेकसूर है, भाई अपनी आंखें खोलिए, सच को देखिए, आप जो समझ रहे वैसा नहीं है। वो ये कहते कहते मर गया, मगर तुम अपने इरादों में जरा भी टस से मस नहीं हुई। इतनी नफरत, इतनी हसद, इतना जहर, कौन हो तुम बताओ मुझे, कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। तुम औरत के रूप में वो बिच्छू हो जिसने हर रात बहुत प्यार से मुझे डंग मारा है। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? इकरार की वो बात मुझे आज याद आ रही है, कहता था भाई जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना बहुत पछताएंगे आप, और मैं सीना तान के उससे कहता था मैं नहीं पछताऊंगा। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? नीनू के सामने, अपनी मां के सामने हाथ जोड़ूं, या अपने मरे हुए भाई और मरी हुई बहन से जाके माफी मांगूं? मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं मैं? मैं जानता हूं लेकिन मुझे क्या करना है, मैं वकार अहमद बस खबरदार, एक लफ्ज आगे मत बोलो, तुम इसको तलाक नहीं दोगे। कि आप कह रही हैं, आप तो उसकी सारी साजिशें जानती हैं, इन सब के बावजूद आप चाहती हैं मैं उसको तलाक ना दूं, इसे घर से ना निकालूं? हाँ मैं चाहती हूं ये इसी घर में रहे, इसलिए कि अपने गलती तस्लीम कर चुकी है, उसने माफी भी मांग ली। वकार आप प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज आपकी मांग पड़ती हूँ। आप प्लीज वकार को समझाएं, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर, वो मेरे पिछले गुनाह की सजा मुझे अभी मत दे, मुझसे गलती हो गई। इस वक्त ये गुस्से में है, किसी की कोई बात नहीं सुनेगा।